चुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों की जनसंपर्क तेज हो रहा है। प्रत्याशी कहीं नाले में कूद रहे हैं तो कहीं खेत खलिहान में, तो वहीं एक महिला प्रत्याशी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाते प्रचार कर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हम बात कर रहे हैं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी की। सुभाषिनी का जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है। वे गांव-गांव पैदल चार पहिए वाहन और बाइक से धूल भरे रास्ते में चल रही हैं। वो सुदूर ग्रामीण इलाके में भी पहुंच रही है, जहां आज भी सही मायने में विकास रास्ते पर नहीं दिख रहा है। वो जगह जगह पर बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है और बैठक कर भी कर रही हैं। इन दिनों सुभाषिनी का धूल भरे कच्चे रास्ते पर बाइक से चुनाव प्रचार का वीडियो चर्चा में है। सुभाषिनी से पूछा गया बाइक की सवारी चुनावी स्टंट है या मजबूरी, तो उन्होंने कहा सरकार ने मजबूर कर दिया है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इलाके की सड़क बदहाल है। सड़क इस बार चुनावी मुद्दा होगा। करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है मजबूरी है या चुनावी स्टंट है? मजबूरी तो नहीं कहूंगी, लोगों तक पहुंचना चाह रही हूं, अंदर अंदर तक उनको समझाना चाह रही हूं, उनकी समस्याओं को सुनना चाह रही हूं। पर मजबूर तो हमको यहां के सरकार ने कर दिया है कि हम बाइक पैदल और दौड़ दौड़ कर खेत खलियानों के बीच में से जाएं, क्योंकि यहां सड़क और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि चार चक्का गाड़ी तो जा नहीं सकती। क्या लगता है चुनाव में इस बार सड़क मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल, सड़क ही मुद्दा है। सबसे पहले यहां पर अच्छी सड़क बनेगी, फिर कोई बात होगी।